आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दिल्ली का भूतिया भटियारी। भारत की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा महल है जिसे लोग भूतिया मानते हैं। भूली भटियारी का महल जो कि दिल्ली के सेंट्रल रिज फॉरेस्ट एरिया में मौजूद है। कई लोगों ने वहां अजीबोगरीब चीजें एक्सपीरियंस की हैं। कई लोगों ने वहां एक सफ़ेद साड़ी पहने एक अजीब सी दिखने वाली औरत को देखा है, बल्कि कुछ लोगों ने अजीब सी काली परछाइयों को भी देखा है। कभी किसी के चीखने की आवाज़ें, तो कभी हवा का एकदम से रुक जाना जिससे कई लोगों को वहां सांस लेने में तकलीफ भी हुई है। कई लोगों का मानना है कि यहां एक रानी की आत्मा भटकती है। भूली भटियारी महल के सिक्योरिटी के लिए भी वहाँ आज तक कभी भी रात में कोई भी गार्ड टिक नहीं पाया है। रोज शाम होते ही वहाँ पुलिस बैरिकेडिंग करना शुरू कर देती है। किसी का भी वहाँ अंधेरा होने के बाद जाना मना है, लेकिन अर्पित और उसके दोस्त कार्तिक और शिखर उस महल के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वो तीनों हर संडे अपनी साइकिल से लेकर शाम को साइकिलिंग राइड्स पर जाया करते थे। उन्होंने अपनी साइकिल पर लगभग पूरी दिल्ली ही घूम ली थी, पर एक संदेश आम वो दिल्ली के सेंट्रल रिज वाली रोड पर साइकिल चलाते चलाते एक अजीब सी सुनसान सी जगह पर पहुंच गए। अर्पित को वहां एक पुराना महल दिखा तो वो वहीं रुक गया और उस महल को बड़े ध्यान से देखने लगा। अर्पित को देखकर कार्तिक और शिखर भी वहीं पर रुक गए। उस महल के पास ठंडी हवा चल रही थी। पसीने में तर तीनों दोस्त वहीं रुक गए और वहीं आराम करने लगे। अर्पित को वो पुराना महल बड़ा अच्छा लग रहा था, वो तो उसके अंदर चला गया। कार्तिक और शिखर वहीं बाहर खड़े महल के साथ अपनी फोटोज खींचने लगे। कार्तिक ने जैसे ही शिखर की फोटो खींची, शिखर को पूरी तरह खांसी शुरू हो गई। कार्तिक ने शिखर को पानी दिया और अपने फोन को देखने लगा। उसे फोन के कैमरे में खींची गई फोटो में दिखा कि कोई काली सी परछाई शिखर के गले को दबा रही थी। ये देखकर कार्तिक घबरा उठा। उसने जैसे ही ये बात शिखर को बताने के लिए अपना सिर उठाया, उसने देखा कि शिखर वहां कहीं है ही नहीं। तभी कार्तिक को महल के अंदर से अर्पित के चीखने की आवाज आई। कार्तिक भागा भागा महल के अंदर चला गया। शाम ढल रही थी और अंधेरा होने आया था। उस महल के आसपास सिर्फ जंगल था और बड़ी बड़ी दीवारें। गिद्ध भी चारों तरफ मंडरा रहे थे। ऐसे में अर्पित और शिखर दोनों का ही अचानक गायब हो जाना कार्तिक को डरा रहा था। पर कार्तिक को अभी भी नहीं पता था कि वो दिल्ली के भूलिया भटियारी महल के आसपास है, जिसे लोग भूत महल भी मानते हैं। कार्तिक सहमा हुआ उस महल के अंदर अर्पित और शिखर को ढूंढ रहा था। उसने कई बार दोनों को आवाज लगाई, पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आई। वो उस आवाज के पीछे गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहां कोने में बैठकर रो रही थी। उसका चेहरा उसकी शॉल से ढका हुआ था। उस बूढ़ी औरत का हुलिया देखकर कार्तिक की जान निकले जा रही थी। फिर भी हिम्मत करके जब उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या उसने उसके दोस्तों को वहां से गुजरते हुए देखा है, तो उस बूढ़ी औरत ने हाथ के इशारे से उसे महल के अंदर की ओर भेज दिया। कार्तिक जब अंदर गया तो उसने देखा कि अर्पित वहीं खड़ा है। अर्पित एक नजर टिकाए सामने देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अर्पित किसी के वश में हो। कार्तिक ने उसे जोर से हिलाया, लेकिन तब भी अर्पित सामने ही देखे जा रहा था, कार्तिक को नहीं। जब ध्यान से सामने देखा तो उसे सामने एक छत से दिखी और उस छत पर एक औरत थी। किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। वो इधर से उधर भटक रही थी,
लेकिन तभी वो औरत चलते चलते रुकी और अपनी गर्दन घुमाकर कार्तिक की तरफ देखने लगी। तब कार्तिक भी अर्पित की तरह सुन्न पड़ गया और वो औरत हवा में उड़ती हुई उन दोनों की तरफ आने लगी। अचानक से शिखर वहां गया और उसने देखा कि कार्तिक और अर्पित दोनों ही फिट्स यानी दौरे पर पड़े हैं। शिखर को वो औरत नहीं दिख रही थी। उसने तुरंत ही अर्पित और कार्तिक पर पानी डाला और उन्हें जोरों से हिलाया। तब जाकर कार्तिक और अर्पित को होश आया। दोनों इतना डरे हुए थे कि उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। शिखर ने बताया कि उसे पास में एक बहुत खूबसूरत मोड़ दिखा था, तो वो उसे देखने चला गया। वो तो सिर्फ देखने चला गया था और जब वापस आया तो उसे कार्तिक और अर्पित दोनों की चीखें सुनाई दी। अब तीनों बस उस महल के अंदर से कैसे भी करके निकलना चाहते थे। वो तेजी से बाहर की ओर भागे और दरवाजे पर वो बूढ़ी औरत अभी भी खड़ी थी। अचानक उसका शॉल नीचे गिर गया और उसका ढका हुआ चेहरा अब तीनों के सामने था। बूढ़ी औरत किसी चुड़ैल की तरह दिख रही थी। उन तीनों लड़कों के रोंगटे खड़े हो गए और वो बुढ़िया धीरे धीरे उनके पास आने लगी। वो तीनों लड़के डरकर पीछे मुड़े तो वो रानी जैसी दिखने वाली औरत अब उनके करीब आ रही थी। तीनों मदद के लिए जोरों से चिल्लाने लगे। बाहर पुलिस वाले जब बैरिकेडिंग के लिए आए तो उन्हें तीन साइकिल बाहर खड़ी दिखी। वो समझ गए कि अंदर कोई जरूर है और उन्होंने तुरंत महल के अंदर जाकर चेक किया। तीनों लड़के महल के दरवाजे पर बेहोश पड़े थे और उनका शरीर बुरी तरह से तप रहा था। उन्हें फौरन पास के हॉस्पिटल भेजा गया। जब उन्हें होश आया तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि उस बूढ़ी औरत को देखने के बाद उनके साथ क्या हुआ। कहानियों की माने तो शायद वो रानी जैसी दिखने वाली औरत फिरोज शाह तुगलक की रानी थी, जिसे राजा ने उस महल में नज़रबंद कर दिया था। और वो बूढ़ी औरत शायद एक औरत थी जो रास्ता भटककर इस महल में पनाह लेने आई थी। कहते हैं कि दोनों ने ही इस महल के अंदर अपना दम तोड़ दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, आज की ये कहानी उमेश की है। उमेश तब 19 साल का था जब उसके पिताजी चल बसे। पिताजी के मरने के बाद उमेश के सर पर मानो जिम्मेदारियों का पहाड़ सा टूट गया था। ये सारी जिम्मेदारियां हल्की हों इसलिए उमेश ने गांव में काम ढूंढने की कोशिश भी की, मगर उसके गांव में उसे कोई काम नहीं मिला। बहुत ढूंढने के बाद उमेश को उसके गांव से काफी दूर एक जगह पर काम मिल गया। हालांकि वो जगह उमेश के गांव से काफी दूर था, मगर अच्छी तनख्वाह होने के कारण उमेश ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। रोजाना वो अपनी साइकिल से ही काम पर आना जाना किया करता था। उन दिनों ठंड का मौसम चल रहा था। गांव, शहर, सड़क चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था। ऊपर से पहाड़ी इलाका होने की वजह से ठंड में भी दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा था। उस जमा देने वाली ठंड और खतरनाक कोहरे के बीच भी उमेश रोजाना काम पर आना जाना करता था। एक रात की बात है, उमेश को काम पर से घर जाने के लिए निकलने में काफी देर हो गई थी। उमेश जब अपनी साइकिल लेकर रास्ते पर आया तब उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में आ गया हो, क्योंकि दूर दूर तक रास्ते पर उमेश के अलावा दूसरा कोई नहीं था। खैर, उमेश ने साइकिल चलाना शुरू किया। बहुत रात हो चुकी थी, शायद 10:30 बज रहे होंगे। तेज चल रही ठंडी हवा उमेश को ऐसा महसूस करवा रही थी जैसे कोई उसके बदन पर कांटे फेंक कर मार रहा हो। खटारा हो चुकी अपनी साइकिल को,
खींचतान कर उमेश आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक जोर की आवाज से उस पूरे माहौल की खामोशी टूटकर चकनाचूर हो गई। उमेश की साइकिल का पिछला टायर फट चुका था। परेशान होकर उमेश साइकिल से नीचे उतरा और साइकिल के पिछले टायर को टटोलने लगा। उमेश को अब ये फिक्र सता रही थी कि वो घर कैसे पहुंचेगा, क्योंकि इतना खटमरकर चलने के बावजूद उमेश का घर अभी भी 7 किलोमीटर दूर था। उमेश अपना सिर पकड़कर उस फटे हुए टायर के पास ही बैठ गया, क्योंकि 7 किलोमीटर पैदल चलना, वो भी इस खटारा साइकिल को लेकर, नामुमकिन था। उमेश ने सोचा किसी गाड़ी से लिफ्ट मांग लेगा, मगर दूसरे ही पल जब रोड के दोनों तरफ देखा तो फिर निराश हो गया। अब उमेश को वहां बैठे बैठे काफी वक्त हो चला था, लेकिन अभी तक एक भी गाड़ी नहीं गुजरी थी उस रास्ते पर से। तभी उमेश उठा, ये सोचकर कि अब कुछ करना ही होगा, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। इस इरादे से उमेश अभी उठकर सीधा खड़ा हुआ ही था कि तभी दाईं ओर से आती किसी गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी उमेश के चेहरे पर पड़ी। उमेश ने उस रोशनी की ओर देखा तो एक ट्रक उमेश के करीब आ रही थी। उमेश हाथ दिखाकर उस ट्रक वाले को रुकवाने लगा, मगर ट्रक बिना रुके ही उमेश के चेहरे पर धूल उड़ाती हुई वहां से निकल गई। उमेश घबराकर थोड़ा पीछे हट गया, क्योंकि अगर वो उस ट्रक को रुकवाने के चक्कर में थोड़ा और आगे चला जाता तो शायद वो घर ना पहुंचकर कहीं और ही पहुंच गया होता। उमेश बुदबुदाते हुए उस ट्रक वाले को गालियां देने लगा। उमेश अभी उस ट्रक वाले को गालियां बकी रहा था कि तभी उसे दाईं ओर से एक और गाड़ी आती दिखी, मगर इस बार कोई ट्रक नहीं बल्कि एक छोटी सी कार थी। वो कार इतनी धीरे चल रही थी कि अगर कोई पैदल भी चले तो शायद उस कार से आगे निकल जाए। उमेश ने सोचा कि अगर वो इस कार वाले से लिफ्ट मांगेगा तो शायद ये भी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दे, इसलिए उमेश ने कुछ बोला नहीं। और जैसे ही वो कार उमेश के पास आई, उमेश झट से गाड़ी के पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर कार में घुस गया। हालांकि ये काम बहुत खतरनाक था। खैर, उमेश ने सोचा कि वो अपनी खटारा साइकिल कल ले जाएगा, वरना चोर ले जाएंगे। तभी उमेश ने अपनी नज़रों को ड्राइविंग सीट की ओर घुमाते हुए कहा, माफ़ करिएगा भाई साहब, मुझे ऐसा करना पड़ा, आप जरा मुझे बैलगढ़ गांव तक छो। ये बोलते बोलते ही उमेश रुक गया, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर जहां ड्राइवर होना चाहिए था वहां कोई नहीं था। उमेश बहुत जोर से चीखना चाहता था, मगर उसका गला बैठ चुका था। उसने कार के दोनों दरवाजों को खोलने की बहुत कोशिश की, मगर वो ऐसा कर नहीं पाया। उमेश ने खिड़की खोलना चाहा, मगर वो भी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कार में ना होकर भी कार में ही है और वही कार को कंट्रोल कर रहा है। उमेश अब तक पूरा डर चुका था। उसके शरीर के अंदर हड्डियां तलक भी कांप रही थीं। उमेश को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। गाड़ी की स्टीयरिंग अपने आप ही घूमे जा रही थी। चलते चलते अब गाड़ी उमेश के गांव जाने के रास्ते में पड़ने वाले एक रेलवे फाटक पर पहुंच चुकी थी। फाटक खुला हुआ था, तभी वो कार फाटक को पार करके रेलवे ट्रैक के बीचों बीच रुक गई। उमेश थोड़ा घबराया और फिर से कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ 2-4 मिनटों तक कार वैसे ही ट्रैक पर खड़ी रही, लेकिन तभी एक जोरदार हॉर्न की आवाज़ ने
उमेश के कान में दस्तक दिया। वो आवाज ट्रेन की थी जो उसी ट्रैक पर आ रही थी जिस पर अभी वो कार खड़ी थी। उमेश ने पीछे मुड़कर देखा तो फाटक गिर चुका था। उमेश ने यह मान लिया था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी दोनों आंखों को कसकर बंद कर लिया और चीखने लगा। मगर तभी कार थोड़ा आगे बढ़ी। उमेश ने आंख खोलकर देखा तो ट्रेन पीछे से जा रही थी। उमेश की जान में जान आई। फिर जैसे ही फाटक खुला कार आगे निकल गई। उमेश अब रोने रोने को हो गया था। उसे अपनी मौत को टालने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। कार अब काफी रफ्तार से चले जा रही थी। उन टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी का इतनी रफ्तार में चलना उमेश को ठीक नहीं लग रहा था। जैसे ही किसी तीखे मोड़ पर गाड़ी मुड़ती उमेश का दिल धक्सा हो जाता। तभी उमेश ने देखा धीरे धीरे गाड़ी का रियर व्यू मिरर उमेश की ओर मुड़ा, जैसे किसी ने अपने हाथों से मोड़ा हो और साथ ही किसी ने ये कहा, उमेश कुछ याद आया? ये आवाज और रियरव्यू मिरर को अपनी ओर घूमता देख उमेश को पूरा माजरा समझ आ गया। तभी उमेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, देखो देखो वो मेरी गलती नहीं थी। मैं मानता हूँ, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। मगर इस पर उमेश को कोई जवाब नहीं मिला। उमेश जानता था कि अब उसके साथ वही होगा जो उमेश ने एक साल पहले इस कार के ड्राइवर के साथ किया था। तभी उमेश ने देखा कि गाड़ी में अपने आप ही बहुत सारा खून फैल चुका है और खून से सना हुआ एक बड़ा सा पत्थर भी ड्राइविंग सीट पर पड़ा हुआ है। उमेश जान गया था कि अब आगे क्या होने वाला है। मगर तभी एक झटके से गाड़ी रुकी। उमेश ने बाहर देखा तो उसके गांव के पास का इलाका था। तभी सामने से फिर एक बार आवाज आई, मैं चाहता तो तुम्हें मार सकता था, पर तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और शायद तुम्हारी जगह मैं होता तो यही करता। ये सुनकर उमेश ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा एक बार में ही खुल गया। दरवाजा खोलकर उमेश जैसे ही बाहर निकला तो वो दंग रह गया, क्योंकि ठीक उसके सामने उसकी पंचर साइकिल खड़ी थी। मगर ये कैसे हो सकता है? भला अपने आप ही साइकिल इतनी दूर से यहाँ कैसे आ सकती है? उमेश ने पीछे मुड़कर गाड़ी की ओर देखा तो कार वहां से गायब थी। उमेश अपनी साइकिल लेकर सीधे घर पहुंचा। दरअसल आज से ठीक एक साल पहले देर रात गए एक बार उमेश अपनी बहन के साथ उसी रास्ते से घर लौट रहा था। वो दोनों पैदल थे और गांव बहुत दूर था। तभी वही कार उन दोनों के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने दोनों को लिफ्ट का ऑफर किया। वो दोनों मान गए, क्योंकि पैदल चलने से तो बैठकर जाना ही अच्छा होता। मगर थोड़ी दूर जाते ही उमेश को पता चल गया कि उस कार ड्राइवर की नज़र अच्छी नहीं है। वो बार बार लुकिंग ग्लास में पीछे बैठी उमेश की बहन को ही देखे जा रहा था। एक बार तो हद हो गई जब उमेश हल्का होने के लिए गाड़ी से नीचे उतरा, तब ड्राइवर उमेश की बहन के साथ बदसलूकी करने लगा। ये उमेश को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने पास ही में पड़े एक बड़े से पत्थर को उठाकर उस ड्राइवर के सिर पर दे मारा, जिससे वो वहीं मर गया और शायद आज उसी की आत्मा उमेश को मिली थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।